हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने पूर्णिया में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षात्मक बैठक में कहा कि उनकी पार्टी गरीबों, मुस्लिमों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों की पार्टी है और उनकी आवाजों को बुलंद करने के साथ साथ उनके हक हकूक की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश में उनकी पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। इस दरमियान प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने जहरीली शराब से हुई मौत के बारे में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानवता के आधार पर उस पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए और इसके लिए वे लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। इस मौके पर प्रफुल्ल मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में काफी मजबूत है, जिसका उदाहरण उन्होंने पूर्णिया के इस समीक्षात्मक बैठक में उमड़ी भीड़ को दिखाते हुए कहा कि इस पार्टी पर गरीबों का आत्मविश्वास बना हुआ है और गरीब पिछड़े तमाम लोग इस पार्टी के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं और यह पार्टी गरीबों पिछड़ों की आवाजों को लेकर उनका वाजिब हक दिलाने तक संघर्ष करती रहेगी। इस दरमियान मंच पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने समीक्षात्मक बैठक को संबोधित किया। पूर्णिया जिला कमेटी की एक दिवसीय समीक्षात्मक बैठक है, इसमें हम जिले के जो कमेटी हैं, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, साथ ही साथ पंचायत अध्यक्ष लोगों को हमने बुला करके और समीक्षा कर रहे हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारा संगठन का स्तर नीचे तक गया है, इसकी हम लोग समीक्षा करके अवलोकन करके इन लोगों को और दिशा निर्देश हम लोग कर रहे हैं किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक रखी गई है, हम भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, साथियों से बात कर रहे हैं, जो भी बात होगी हम लोग उसका मिल मिलाकर संगठन को मजबूत करने की बात करेंगे। कितनी मजबूत है आपकी पार्टी बिहार में, खासतौर से पूर्णिया में कितना मजबूत है? देखिए, ये तो आपके सामने है, हम मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और हम मजबूत हैं क्योंकि हम 4 विधायक जीते हैं, 7 टिकट हमें मिली थी, 7 में हम 4 जीते हैं और आगे आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है, पार्टी का मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। गरीब लोगों की पार्टी है, उद्देश्य है गरीब लोगों को एकजुट कर उनकी समस्याओं का निदान करने में हम कितना सहयोग कर सकते हैं और इसी मजबूती के लिए हम प्रयासरत हैं। 4 विधायक आपका है और सरकार चल रही है आप लोगों के सहयोग से, लेकिन जितनी मजबूती आप लोगों को दिखाना चाहिए था, सरकार में जितनी अहमियत आप लोगों की होनी चाहिए थी, लगता है कि है उतनी अहमियत? एकदम है, हम लोग जो भी बातें हैं गरीब के पक्ष में उसको मजबूती से रखते हैं, सरकार के द्वारा जो अनुपालन कराया जाता है हम लोग उसको फ्लैश करते हैं, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का काम हो। शराब से पीने से लोग मर गए, क्या कहना है जहरीली शराब पीने से? देखिए, ये तो एक विभत्स घटना है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और वो मरे हैं, हम लोग उसके बारे सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रतिनिधि हमारा गया हुआ है, वो रिपोर्ट करेगा, हम उसकी समीक्षा करेंगे और अपनी बात को सरकार के समक्ष रखेंगे। जो आपका वोट बैंक है, जिनको आप वोट बैंक अपना मानते हैं, उसी समाज के लोग ज़्यादातर मरे हैं और नीतीश कुमार ने कह दिया वैसे लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, हम लोगों ने फिर पुनः कहा है और समीक्षात्मक बैठक करके फिर हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, वो समय ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, उनसे पुनः बात करके और पुनर्विचार करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बाध्य हों। अच्छा, क्या लगता है आप लोग क्या विचार है, उन लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मानवता तो कहती है और हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम आप पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी।